आपका स्वागत है। जिला प्रशासन द्वारा क्वारंटीन किए गए 12 लोगों की आज जांच रिपोर्ट आई है, जिनमें से 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एक साथ 7 लोगों में कोरोना की पुष्टि होने से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया, वहीं जनपद वासियों में सनसनी फैल गई। जिले में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 39 पर पहुंच चुकी है, जिनमें से 20 लोग कोरोना से जंग जीत कर अपने घर चले गए हैं, जबकि 19 कोरोना मरीजों में से चांदपुर के मोहल्ला कायस्थान निवासी डॉक्टर की सोमवार को मौत हो चुकी है। अब जनपद बिजनौर में देखा जाए तो कोरोना के 18 एक्टिव केस हैं। जिला अधिकारी रमाकांत पांडे ने बताया कि आज जो लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं, यह वह लोग हैं जो कोरोना मरीजों के संपर्क में आए हैं। सभी लोग हॉटस्पॉट क्षेत्र के हैं। वहीं प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस रखी है। प्रशासन ने पूरे जनपद में करीब 16 स्थानों को हॉटस्पॉट घोषित करते हुए पूरे क्षेत्र को सील कर रखा है। वहीं जिलाधिकारी रमाकांत पांडे ने बताया कि करीब 7 हॉटस्पॉट स्थानों की समय अवधि कुछ दिनों बाद पूरी हो जाएगी, जहां एक भी कोरोना का नया केस नहीं मिला है। चांदपुर संख्या बढ़ गई है, कितनी संख्या बढ़ गई है, कितने हमारे यहाँ हॉटस्पॉट अब तक? जो भी लोग पॉजिटिव डिटेक्ट होते हैं टेस्ट के उपरांत, तो हम लोग एग्रेसिव सर्विलेंस करते हैं कि पिछले कुछ दिनों में 15-20 दिन में वो किन लोगों से मिले और किन लोगों से उनका संपर्क हो सकता है। तो चांदपुर जो हमारा क्लस्टर हॉटस्पॉट है, उसमें हमने एग्रेसिव सर्विलांस की थी कि साहब ये जो हमारे दो पॉजिटिव केसेस आए हैं और उनके परिवार, तो इनमें किस किस लोगों से इनकी मुलाकात होना संभव थी, और उन सबको हमने क्वारंटाइन किया था। तो जितने लोग हमने क्वारंटाइन किए थे उनके हमने सैंपल्स भेजे। ये सैंपल्स रिजल्ट आज आया है, तो उसमें 7 लोग ऐसे पाए गए हैं जो क्वारंटाइन थे और वो पॉजिटिव आए। ये सारे लोग जो हमारे केसेस पहले थे उनके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंटैक्ट के लोग हैं, ये बाहर के लोग नहीं हैं और उसी हॉटस्पॉट एरिया के अंदर के लोग हैं। उम्मीद करते हैं कि सारे लोगों का हमने जो कंटैक्ट ट्रेसिंग कर ली थी, तो उसमें इन अब अवसर नहीं रहा होगा कि इन्होंने और आगे इन्फेक्शन फैलाया हो। ये वो लोग हैं जो हमारे पास क्वारंटाइन थे और जिनका हमने टेस्ट कराया। कितने टोटल हॉटस्पॉट इस पर एक्टिव हैं हमारे? हॉटस्पॉट हमारे यहाँ 16 एक्टिव हैं जनपद बिजनौर में। उनमें से करीब 7 हॉटस्पॉट ऐसे हैं जिनका समय 3 दिन में पूरा हो जाएगा और वहाँ कोई पॉजिटिव रिपीट नहीं हुआ है, तो उम्मीद है कि 3 दिन में कुछ हॉटस्पॉट्स हम खोल पाएंगे। कुछ रियायत की भी उम्मीद की जा सकती है शहर में? देखिए, जो हॉटस्पॉट्स हैं, सील्ड एरिया हैं, वहाँ रियायत की कोई उम्मीद करना ही एक गलत बात है। हमारा मकसद ये है कि जिन इलाकों में इन्फेक्शन निकला है तो उनको हम कंटेन करके रखें और किसी भी तरीके से दूसरे इलाकों में न फैलने पाए, और उन इलाकों में भी आपस में कोई इन्फेक्शन फैलने की स्थिति ना रहे, तो वहाँ तो सख्ती करनी ज़रूरी है और वो की जा रही है।